तो मैं बहुत दिनों बाद मेरी ब्लॉगिंग जो है कर रही हूँ। एक दो हफ्ता तो हो ही गया क्योंकि हमारे तबियत कुछ ठीक नहीं थे और हम दोनों का ही आई घर पूरा वेदर चेंज हो रहा है। इस वजह से मैंने अभी सब कुछ ठीक है थोड़ा, लेकिन इधर ठंडा वेदर है पूरा ठंडा, क्योंकि इधर बारिश जब होता है बारिश होने के बाद ही इधर पूरा ठंडा वेदर हो जाता है। और तीन चार दिन से कंटिन्यूअस इधर बारिश हो रहा है, क्या बताऊं। ओह, जब ब्लॉगिंग स्टार्ट करती हूँ तभी ऐसा है। तो मैं अभी जो इधर बैठी हूँ ये मेरा अच्छा लगता है क्योंकि इधर बात करने के लिए कोई भी नहीं रहता है। तो वो अभी सो रहा है क्योंकि उसका नाइट ड्यूटी चल रहा है, तो मैं सामने में जरूरी है उतना बैठती नहीं, मैं इधर ही बैठ के देखती हूँ। अच्छा लगता है अकेले ऐसे ही बैठे रहना। तो जो भी हो और बताओ, आप लोगों का जन्माष्टमी कैसा गया? और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। सॉरी थोड़ा लेट हो गया है। तो अभी बज रहा है शाम की 5 बज रहा है, तो मैंने सोचा क्या करूं, थोड़ा सा आप लोगों के साथ बातें कर लेती हूँ। तो चलो दिखाती हूँ बाहर का। तो बाहर बारिश अभी भी पड़ रहा है, एकदम धीमी धीमी से बारिश हो रहा है। सारा दिन ऐसे ही बारिश हो रहा है, क्या करूं, थोड़ा सा वॉकिंग कर लेती हूँ। तो ये जो जोबा की गाछ है इसमें ये हाइब्रिड है, तो पूरा ईयर नहीं आता है। तो कभी कभी बीच में ठंडा के टाइम में आया था, तो फिर देखो कौन आ गया, कौवा। तो जब ठंडा वेदर रहता है इधर तभी देखा ये फ्लावर जो आता है, नवंबर अक्टूबर जनवरी तक आया था इस फ्लावर। देन इधर तो मार्च से ही बहुत ज्यादा गर्मी होता है, पड़ जाता है, तो इतने टाइम तक तो नहीं आया, लेकिन दो दिन पहले देखा फिर से फ्लावर आया। तो इधर तो अभी ठंडा है, इधर बारिश होने से ही ठंडा बढ़ जाता है। और वैसे हमारे उधर के जैसे, वेस्ट बंगाल के जैसे उतना ठंड तो नहीं पड़ता। स्वेटर मफलर ऐसा सभी का कुछ ज़रूरत नहीं पड़ता, लेकिन इस टाइम पे आपको बाहर जाने के लिए जैकेट तो जरूर लगता है। बाइक पे या कार पे जब भी जाओ आप, इस टाइम पे इधर के लोग जैकेट मफलर कान पे जो रहता है देता है, कान की ढक्कन जो होता है वो सब यूज करते हैं। घर पे उतना नहीं लगता, लेकिन अभी इस टाइम पे 4-5 दिन से कंटिन्यूअस बारिश हो रहा है, कपड़े तो नहीं सूख रहा है और घर भी डैम हो जा रहा है, तो ठंड भी ज्यादा लग रहा है। तो शाम के जो काम है वो थोड़ा मैं कर लेती हूँ, मेरा बहुत सारा बर्तन है वो सब जगह पे रख देती हूँ। तो अभी मैं देख रही हूँ टीवी, सब कुछ सब जगह, जब गर्म के टाइम पे सब कुछ गर्म हो जाता है, बैठने का हालत कहीं भी बैठा नहीं जाता। और अभी जो वेदर है सब कुछ ठंडा, सोफा भी जो है वो भी ठंडा है, मतलब क्या बताओ।
तो चलो थोड़ी देर बाद में आती हूँ, मैं थोड़ा टीवी देखती हूँ। अभी बज रहा है टाइम 7:15, तो अभी आरती देने का टाइम हो गया है। सारे घर में लाइट को ऑन कर देती हूँ। चलो साढ़े 7 बज गए हैं, ये नींद से भी उठ चुका है। हाय बोल दो। क्योंकि इस मंथ में भी उसका थर्सडे फ्राइडे छुट्टी है, तो आज काम है रात पे, इसलिए दिन पे सोया था। उनको बोला ना, सारा दिन आज बारिश हो रहा है, तो अभी मैं बनाऊंगी चाय। तो चलो, चाय रेडी हो गया है। बाहर बारिश, हम लोग घर पे गर्मा गर्म चाय की मजे लेते हैं। ये है मेरा धोंदू। आज हम दोनों मैच हो गए। फिर से किचन पे आ गई हूँ क्योंकि मैं गरम पानी कर रही हूँ स्टीम लेने के लिए। इस टाइम पे, इस कोरोना के टाइम पे स्टीम लेना बहुत जरूरी होता है, तो हम लोग तो हर रोज लेते हैं। बड़े सब लोग की बोला हम लोगों को कि स्टीम लो हर रोज, तो वो बहुत अच्छा होता है। और विटामिन सी या खट्टा लेमन जैसा ये सब खाने बहुत ही जरूरी है हेल्थ के लिए। तो हम लोग तो रोज ही लेते हैं, और स्टीम तो जरूरी है, कंपलसरी हम लोग, और काढ़ा भी मस्ट है। एक दिन बाद बाद हम लोग काढ़ा लेते हैं। और आप लोग भी घर पे सेफ रहो, और ये सब छोटे छोटे चीज जो खुद के सेफ्टी के लिए है वो सब करते रहो। स्टीम लिया करो, विटामिन सी लेमन ये सब खाने में ऐड करो ज्यादा से ज्यादा, और आप लोग अच्छे से रहो। और एक बात जो है वो, ये तो अगस्त है, नेक्स्ट सितंबर में माहौल आया है जो बंगाली का बहुत बड़ा फेस्टिवल आ रहा है। देर माहौल आया के बाद आएगा दुर्गा पूजा, लेकिन बहुत दुख की बात है कि इस बार क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ भी नहीं पता, तो ये एक दुख की बात है। सभी में सबसे बड़ा यही दुख की बात है, इतना दिन हुआ लॉकडाउन हुआ वो तो अच्छा है, लेकिन दुर्गा पूजा जो हर बंगाली का एक इमोशन है वो ही नहीं होगा इस बार। वही तो लग रहा है, होगा तो जरूर लेकिन छोटे मोटे होगा, उतना लोग उतना ज्यादा सज धज करके कोई भी बाहर नहीं जाएगी, और भीड़ वो सब भी सभी कोई, और बहुत ज्यादा क्राउड में तो बिल्कुल भी नहीं जा पाएंगे। तो देखते हैं आगे आगे क्या होता है। तो आज के लिए मेरी ब्लॉग इतना ही, और आप लोग अगर चाहते हो मैं डेली ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूं, मैं हर छोटी चीज आप लोगों के साथ शेयर करूं, प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और मेरे नए नए रेसिपी देखना मत भूलना।